अपने साथ लाए हुए बच्चों का ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए महोत्सव में हम लोग ताज महोत्सव का लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। यहाँ पे देख सकते हैं टिकट जो लेने का घर है, एक टिकट का दाम 50 रुपया। हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं और यहाँ ताज महोत्सव जो कि 18 से 27 के बीच चल रहा था, अब इसको 1 मार्च तक कर दिया गया है। और यहाँ पे आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छे से ये मनाया जाता है। आगरा का ताजमहल सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे और उसी के नाम पे ताज महोत्सव हर साल मनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग फंक्शंस की जाती है, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह के भोजन, सारे चीज़ों का अंदर में एक मेला जैसा व्यवस्था बनाया गया है। और यहाँ पे जो सजावट है उसे देख के लगेगा जस्ट लाइक हम लोग फॉरेन में आ चुके हैं। और यहाँ पे खेलने उलने का भी सुविधा है, झूला है बच्चों के लिए, घूमने का भी है और साथ में अलग अलग टाइप का यहाँ पे कपड़ों का दुकान है, लोग यहाँ से खरीदारी करते हैं और हाथों के द्वारा बनाया गया लकड़ी का भी सामान यहाँ पे मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे प्रमोशन के लिए दुकान भी बनाई गई है। आप लोग देख सकते हैं कि लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर घूमने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं, विदेशी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। यहाँ पे ताजमहल का प्रोग्राम होता हो तो हम लोग हमेशा ही ज़्यादा संख्या में रहते हैं। धीरे धीरे अब हम लोग इस पूरे मैदान को देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है और बीच बीच में हम लोग वीडियो शूटिंग करेंगे, साथ में कुछ खाने की वस्तुओं को देखेंगे, खाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बिल्कुल खुश होकर पूरे माहौल का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि एक रेडियो चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है। लोग उसमें अपना जो भी जिस तरह का टैलेंट है वहाँ पे जाकर दिखा सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उसी के आसपास जा रहे हैं, कुछ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो में। खत्म हो चुका है, अब इसके बाद दूसरे का परफॉर्मेंस आएगा। और यहाँ आने के बाद 2-3 घंटा ऐसे बीत जाता है जैसे लगता हो 5 मिनट बीता हो, क्योंकि इतने सारे चीज़ें होते हैं। यहाँ पे कारपेट वगैरह का शॉप देख सकते हैं, यहाँ पे शिल्पकार का देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी वस्तुओं का दुकान देख सकते हैं। यहाँ पे आप इतने सारे दुकान देखेंगे कि लगभग 1000 से ज़्यादा दुकानें होंगी और दूर दूर से लोग यहाँ पे अपने शॉप्स वगैरह को 1-2 सप्ताह के लिए लेकर आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे और 24 को ये बंद था और उसके वजह से 3 दिन इसकी डेट बढ़ाई गई। वैसे 18 फरवरी से 27 फरवरी तक था लेकिन अभी इसको 1 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम के द्वारा कर दिया गया और यहाँ से भीड़ आप देख रहे हैं कितना है। अच्छा, कौन सा क्विज जीता? सेवन टावर की ओर से क्विज थी, 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 सही जवाब दिए। क्या क्वेश्चन क्या था? एक तो क्वेश्चन का नाम बताना था कि जयपुर को पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर फिर इलेक्ट्रिकल का अच्छा कंडक्टर कौन सा है, सेवन पावर का आईडी पूछा गया। भैया भैया पान है
पास मीठा पान है, चॉकलेट पान है, फायर पान है, स्मोक पान है, कई तरह पान है, फ्लेवर पान है। ये ताज महोत्सव जब से शुरू हुआ है आप रेगुलर यहीं पे अपना दुकान लगाए हुए हैं? 7 साल हो गए भाई साहब। अच्छा, 7 साल से यहाँ पे आते हैं। ताज महोत्सव साल में तो एक बार ही आता है ना? हाँ। ये फायर वाले पान का कॉस्ट कितना है? फायर वाले पान का कॉस्ट 50 है। और जो ये सब पान बनाया हुआ है दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना है इसका कॉस्ट? आप पान तो हम लोग लेंगे ही, लेकिन थोड़ा आइडिया लगेगा कौन सा रेट कम ज़्यादा होता है और हाई अच्छा भी है। लोकेशन के हिसाब से रेट चेंज होते रहते हैं। डायरेक्ट क्या मैंने डाले दोनों चेंज किया और ये अंदर दिक्कत नहीं होगा? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त मजा आ गया। कुछ जलन तो नहीं हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। कितने दिनों से बना रहे हो तंदूरी चाय? 4 साल हो गए। 4 साल? जी यार, ये तो अभी हाल फिलहाल में फेमस हुआ है, 4 साल से चल रहा है ये? तो चल काफी दिन से रहा है, मगर हम लोग 4 साल से कर रहे हैं। वाह वाह। तो क्या करते हो, नॉर्मल चाय को इसमें सिर्फ गर्म कर देते हो क्या? कुल्हड़ का स्वाद आपका हाफ बॉइल पहले से। अच्छा, हाफ बॉइल पहले से रहता है, आधे बॉइल कुल्हड़ में होती है। भाई चाहे सर आपकी भाई, दो चार पैसा लो। भाई अब 20 रुपए इसमें लाओ हमको। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 20 रुपए लाओ। शुरू करो भैया। ये चीले कितने का है? 50 का है। और क्या क्या आइटम है आपके पास? सैंडविच है। सैंडविच में क्या है? ये सारा भेज है। अच्छा अच्छा, ये भी आपका है क्या? दो झूला आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी झूला लगा हुआ है। और ये नाव वाला भी झूला लगा हुआ है। यहाँ एंटरटेनमेंट का पूरा सुविधा दिया गया है। देख सकते हैं कितने ऊंचाई तक ये जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है। यहाँ पे इंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह रखा गया है, आप यहाँ आकर इसका एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गेम्स हो रहा है, काफ़ी मज़ेदार है। इधर आप आएंगे तो ये छोटे छोटे गेम्स बहुत सारे हैं। और